हम लोग बहुत टेंशन में थे, 16 घंटे से रात में बैठे। आप लोग सही से चले गए, कहाँ से आए आप लोग बताइए? बताओ, हल्द्वानी से हैं, अभी केदारनाथ से आए हैं। तो कल हम 4 बजे से यहाँ अटके थे, अब जाके पुलिस की सहायता से हम सब बच गए। मैं कहाँ से आए आप? सुंदरलाल, उप सचिव सेवा का अधिकार आयुक्त देहरादून में हूँ। SSP मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतनी बारिश में खुद खड़े होकर CO साहब के साथ जो हमारी मदद की है उसको हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड में आई आपदा के बारे में जानकारी दूंगा। जो पिछले 2-3 दिन से हुआ है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पर प्रकृति को कंट्रोल कर पाना किसी के बस में नहीं है। और 2013 के बाद उत्तराखंड में फिर से एक बार जल आपदा आई है, जिससे कि पूरा उत्तराखंड हिल चुका है। आपने कुछ वीडियोस भी देखी होंगी, अभी 2-3 दिन पहले नैनीताल हो या चारधाम हो या हरिद्वार हो, हर जगह कह सकते हैं भयंकर बारिश हुई है, और जिससे कि हजारों लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। चाहे वो मैदानी इलाके हों या पहाड़ी इलाके हों, हरिद्वार हो या नैनीताल, हल्द्वानी हो या देहरादून, सभी जगह भयंकर जल प्रलय आया है। और सबसे ज़्यादा असर तो नैनीताल और चारधाम यात्रा पर जाने वाले लोगों को झेलना पड़ा है। अभी भी यहाँ पर सैकड़ों पर्यटक ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं। दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी किया था कि उत्तराखंड की यात्रा को अभी रोक दें, खासतौर पर जो पहाड़ों की यात्रा करना चाहते हैं, जो चार धाम यात्रा करना चाहते हैं या जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जाना चाहते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट थी कि आप लोग अपनी यात्रा को रोक दें। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया और उन्होंने अपनी यात्रा को कैंसिल भी किया, लेकिन शायद मेरे पास कुछ ऐसा होता कि मैं हर एक व्यक्ति को ये मैसेज पहुँचा पाता तो बहुत ही अच्छा होता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड में आई आपदा के दृश्य दिखाऊंगा, उसके साथ साथ हरिद्वार में वर्तमान में क्या स्थिति है, गंगा जी की जो जलधारा है उसमें कितना फ्लो है, हर की पैड़ी की क्या स्थिति है, ये सभी दृश्य आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आने वाले दिनों में आप हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड, चारधाम यात्रा का जो अपना प्लान है उसको समय के अनुसार कर सकें। तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप इसी तरह हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड, चारधाम यात्रा के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो उत्तराखंड में अभी 2 दिन पहले कह सकते हैं 18 तारीख को जो भयंकर बारिश हुई है और जल प्रलय आया है उसके दृश्य देख सकते हैं। नैनीताल में तो नैनी लेक जो है वो पूरी तरह से लबालब जल से भर गई थी, और यहाँ तक कि नैनी लेक का जो जल है वो पूरे नैनीताल के आसपास, जैसे माल रोड है, नैना देवी मंदिर है, यहाँ तक कि पहुँच गया था, और जिससे कि हजारों की संख्या में लोग उससे प्रभावित हुए हैं। बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो दुकानों में फंस गए थे क्योंकि जो जल है वो दुकानों तक पहुँच गया था। और यहाँ तक कि हल्द्वानी के पास, लाल कुआँ के पास जो रेलवे ट्रैक है वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, और रेलवे ट्रैक जो है वो भी उखड़ गया है। तो ये जो आपदा आई है इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है और सबसे ज़्यादा जो जनहानि हुई है वो नैनीताल के डिस्ट्रिक्ट में हुई है, और बहुत सारे लोग इससे अपनी जान भी लोगों ने गंवा दी है। और जबकि मौसम विभाग ने इसका पहले से ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि ये डेट में भयंकर बारिश होने वाली है। और तो ये दृश्य आप देख सकते हैं, हर तरफ कह सकते हैं 2 दिन पहले हाहाकार मचा हुआ था, और ये जो दृश्य हैं ये इतना भयावह है कि जो भी व्यक्ति उस समय वर्तमान समय पर यहाँ पर रहा होगा उसके लिए कितना कष्टदायक और कितना डरावना ये दृश्य हुआ होगा। और दोस्तों, अब आप हरिद्वार की ये दृश्य देख सकते हैं, हरिद्वार में भी पहाड़ों में लगातार जो बारिश हुई है उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। चंडीघाट में जो जल इस समय अक्टूबर के महीने में ऐसा कभी नहीं देखा गया,
और बेमौसम ये जो बारिश हुई है इसकी वजह से आप जल देख सकते हैं चंडी घाट के मैक्सिमम कह सकते हैं जो सीढ़ियां हैं, जो स्नान करने वाली जो स्थान है वो सभी डूबे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़े बदलने के जो स्थान है वो अभी भी डूबे हुए हैं और ऐसा अक्टूबर के महीने में पहले कभी नहीं हुआ। और दोस्तों अभी हम आपको हर की पैड़ी ले चलेंगे और हर की पैड़ी में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 2-3 दिन पहले या 15 तारीख को रात में जल को रोका गया था और उसकी सफाई हर की पैड़ी की होनी थी और बाकी जगह की भी होनी थी, लेकिन जब भयंकर बारिश 17-18 तारीख को पहाड़ों में बारिश हुई जो जल रोका गया था उसको मजबूरी से उसको खोलना पड़ा ताकि इस साइड भी कुछ जल जा सके, क्योंकि जल को रोक पाना मुश्किल था और एक ही साइड जल का जो पूरा जल की जो धारा है उसको आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हर की पैड़ी कल जल छोड़ा गया था और हर की पैड़ी में भी बहुत जल आया था और आज के दिन भी जो ये जल देख रहे हैं हालांकि कल की अपेक्षा आज काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन आप जल में देख सकते हैं जल में जो रेत की मात्रा है ये दर्शाती है कि पहाड़ों में कितनी भयंकर बारिश हुई है। क्योंकि कुछ दिन पहले आप ये जो जल है ये ट्रांसपेरेंट होने लगा था, जल के अंदर के पत्थर भी साफ दिखाई देने लगे थे, लेकिन 2-3 दिन जो भयंकर बारिश हुई है उसकी वजह से जल में पूरी तरह से रेत की मात्रा है और थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रेत की मात्रा आपको दिख रही होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी जो हरिद्वार में जो माहौल है, हरिद्वार या ऋषिकेश का जो वर्तमान स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है, अभी यहाँ पर सब कुछ ठीक है। कल भी सारा दिन यहाँ पर धूप निकली थी, आज भी यहाँ पर अच्छी खासी धूप है और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये 9 बजे के आसपास की है। देख सकते हैं हर की पैड़ी में भीड़ है, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं, सब कुछ नॉर्मल है और जो बाढ़ की या कह सकते हैं जो भयंकर बारिश हुई है उसकी जो स्थिति है यहाँ पर सब कुछ अंडर कंट्रोल है। और धीरे धीरे चार धाम यात्रा भी, हालाँकि कल भी केदारनाथ धाम के लिए एक पूरा बैच पूरा छोड़ा गया था और धीरे धीरे करके यमुनोत्री गंगोत्री धाम के लिए भी लोगों का जाना शुरू हो चुका है और 1-2 दिन के बाद ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जो नैनीताल में हुआ है वो शायद ही कुछ सालों तक लोग भूल पाएंगे, क्योंकि इतने डरावने दृश्य, भयावह जो दृश्य लोगों ने देखे हैं शायद इतनी जल्दी ये भूल पाएं। तो फिलहाल आप हर की पैड़ी के दृश्य देख सकते हैं, हर की पैड़ी में जो जल रोका गया था वो एक बार से फिर से यहाँ पर आ रहा है, हालांकि उतना जल नहीं है और धीरे धीरे करके 1-2 दिन में फिर से उम्मीद है कि फिर वैसे ही जल रोका जाएगा और फिर सफाई की जाएगी। बस ये इंतज़ार है कि जो पहाड़ों में जो बारिश हुई है वो रुक जाए और वहाँ का जो जल है वो यहाँ तक आगे निकल जाए, उसके बाद जल को रोका जाएगा और फिर से हर की पैड़ी की सफाई की जाएगी। और हालांकि अभी भी जल कम है, आप देख रहे हैं श्रद्धालु आराम से स्नान कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अगर आप लोग हरिद्वार ऋषिकेश ये चार धाम यात्रा का प्लान करते हैं तो 1-2 दिन और रुक जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और क्योंकि जो पहाड़ों के रास्ते जो ख़राब हुए हैं, लैंडस्लाइड हुई है जिससे कि रास्ते बंद हो गए थे, वो भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएँ, खुलने लगे और उसके बाद आप यात्रा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो आपको उत्तराखंड में जो आपदा आई है और हरिद्वार में जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ आगे शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ और भी जो श्रद्धालु हैं जो हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा प्लान करना चाहते हैं उनको भी ये पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश चार धाम यात्रा से संबंधित कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप इंस्टाग्राम में बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मुकेश हेल्प। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।